नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस की। क्या रामचरितमानस से सुलझाई जा सकती है भौतिक विज्ञान की कुत्थियां? जी हां, चर्चा का विषय बना हुआ है रामचरितमानस की चौपाइयां, जिनसे ये दावा किया जा रहा है कि रामचरितमानस की इन चौपाइयों से भौतिक विज्ञान की गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुले दुनिया के पहले वर्चुअल विद्यालय स्कूल ऑफ राम में एक खास सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स में एनरोल होने वाले स्टूडेंट को एक धार्मिक ग्रंथ को वैज्ञानिक प्रयोग के जरिए समझाने का और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक महीने के ऑनलाइन कोर्स में रामचरितमानस की चौपाइयों के जरिए भौतिक विज्ञान की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू करने का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय राज संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने और भारत केंद्रित शिक्षा देना है। तो वहीं इस कोर्स में तुलसीदास रचित महाकाव्य रामचरितमानस में भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। और कोर्स में ही गति के नियम, वाष्पीकरण हो गया, प्रकाशिकी, वैज्ञानिकी, मृग मरीचिका, ऊर्जा, चुंबकत्व और इंजीनियरिंग को रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, स्कूल ऑफ राम के संस्थापक और हिंदू स्टडीज के एक्सपर्ट प्रिंस तिवारी का कहना है कि महान गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 के लगभग अपने एक शोध पत्र में प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की गुत्थी सुलझा दी थी। उन्होंने ये भी साबित किया था कि सभी सिद्धांत प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी आज तक गणित भौतिक विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों की जटिलता लगातार बनी हुई है, जिसे आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे। तो वहीं पर स्कूल ऑफ राम इन्हीं जटिल और उलझे हुए विज्ञान के सिद्धांतों को रामचरितमानस की चौपाइयों के जरिए खोलने का दावा करते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कई गुत्थियों को सुलझाया भी। इसके साथ ही प्रिंस तिवारी ने ये भी बताया है कि उन्होंने श्री राम के आदर्शों और रामायण के संस्कारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल विद्यालय की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग शहरों, कस्बों से उम्र के लोग सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल हो रहे हैं। अब तक कोर्स को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं, वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं प्रिंस ने एक उदाहरण देकर ये समझाया कि कैसे भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को चौपाइयों से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक चौपाई है, त्रिशा जाय वरु मृगजल नाना, वरु जामहि सर शीश निधाना। इस चौपाई में मृग मरीचिका को प्रकाशिकी के अपवर्तन सिद्धांत से समझाया जा रहा है। तो वहीं न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, जिसको आपने भी विज्ञान के चैप्टरों ने पढ़ा होगा, उसको समझाने के लिए एक चौपाई का इस्तेमाल किया है। वो चौपाई है, बार बार रघुवीर संहारी, तरके वो पवन तनय बल भारी, जिन गिरी चरण देह हनुमंता, चले उसागा पाताल दुरंता। इस चौपाई को समझाने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग के सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोक्लोरिक व एथेन रॉकेट के प्रयोग का सहारा लिया जा रहा है।
तुम्हें बता दे ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को भी समझाने के लिए एक चौपाई है और वो चौपाई है एकु दारुगत देखी एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। इस चौपाई को ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारी घर्षण के सिद्धांत को समझाने के लिए भी एक चौपाई है और ऐसे कई चौपाइयों के माध्यम से रामचरित की इन चौपाइयों के माध्यम से विज्ञान की कई गुत्थियों को समझाने का प्रयास इस स्कूल में किया जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन चौपाइयों के माध्यम से ही कई गुत्थियों को सुलझाया भी गया है। प्रिंस का कहना है कि टीवी पर रामायण सीरियल देखने और रामचरितमानस का पाठ करने वालों ने सुना और पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम के दौर में राम नाम लिखे पत्थर भी पानी पर तैरते थे जिससे राम सेतु बनाया जा सका था। तो वहीं रावण भी पुष्पक विमान उड़ाता था। देश की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति के पुरातन विज्ञान को अब धीरे धीरे भूलती जा रही है और इसीलिए स्कूल ऑफ राम के जरिए ये कोशिश की जा रही है। प्रिंस तिवारी ने ये भी बताया कि अब स्कूल ऑफ राम में रामचरितमानस की चौपाइयों के जरिए बेहतर प्रबंधन का कोर्स भी शुरू किया जा चुका है और इसके अलावा भी एक महीने का कोर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का इन रामचरितमानस पे भी शुरू किया गया है और स्कूल ऑफ राम के तहत चलाए जा रहे सभी कोर्सों की अध्ययन सामग्री ई बुक के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कोर्स के दौरान सवाल जवाब के साथ ऑनलाइन लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग की सुविधा भी यहां पर दी जा रही है। ये विषय जो है रामचरित के चौपाइयों द्वारा विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाने का आजकल सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, रामचरित की चौपाइयों द्वारा विज्ञान की कई गुत्थियां सुलझाई जा सकती है और कुछ लोग इसे फेक भी बता रहे हैं। आगे भी बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक खबरों के लिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।